नए साल के पहले दिन जहां पूरा देश जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी ओर हजारों लोग बेबस दिख रहे थे। नए साल के पहले दिन हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर में ड्राइवरों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिसका असर रामनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में भी देखने को मिला। हरिद्वार बस अड्डे पर बेबस खड़े इन लोगों को देखिए, बस के इंतजार में इनका पूरा दिन गुजर गया, लेकिन बस नहीं चली। रोडवेज बसों का अचानक चक्का जाम होने से तमाम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। परेशानी खैर हो रही है, वैसे बहुत हो रहे हैं, क्योंकि मेरा कल का टिकट है दिल्ली से मुंबई के लिए, दिक्कत तो हो रही है वैसे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था वैसे। उधम सिंह नगर में भी इस चक्का जाम का असर देखने को मिला। यहाँ रोडवेज बसों के साथ साथ प्राइवेट वाहनों, इंडियन ऑयल, रसोई गैस वाहनों के ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। रुद्रपुर डिपो में तो ड्राइवर टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। बस चालकों ने चेतावनी दी कि जब तक इस कानून को समाप्त नहीं किया जाता, वो रोड पर बस नहीं चलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? ये काले कानून के खिलाफ हम ये 500 ड्राइवर हैं, पर इसके लिए हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो कि जो है ये हमारे ये 7 लाख जुर्माना और ये 10 साल की सजा जो मिल रही है इसी के लिए, और ये कानून जो सरकार का नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये है कि जो है सारे हमारे ड्राइवर भाई इसके खिलाफ है, मोर्चा लगाए हुए हैं इंडियन ऑयल पट्टी कला बोटलिंग प्लांट में रामपुर, और इसी के लिए हम सब धरने पर बैठे हैं। और जब तक ये कानून नहीं होगा लागू ड्राइवरों के हित में, और तब तक ये हम ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे। रोडवेज बस चालकों की हड़ताल का असर सबसे ज्यादा आम लोगों पर पड़ रहा है। लोग बसों के लिए दर दर भटकते नजर आए। हड़ताल के कारण निजी गाड़ियों के ड्राइवरों की चांदी हो गई। प्राइवेट बस चालक यात्रा के नाम पर लोगों से दोगुना और तिगुना किराए की वसूली कर रहे हैं। इसी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कहाँ जाना है आपने? जी बिल्कुल, मुझे ही नहीं सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे को खटीमा से दिल्ली जाना है, और जैसे कि मेरी कल की डेट पर ज्वाइनिंग है, तो काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स हो रही है। तो जो भी आई थिंक ये लाइक लॉ मतलब गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, अगर लाइक ड्राइवर जो भी मांग कर रहे हैं, तो आई थिंक इस पर मतलब कुछ विचार करना चाहिए गवर्नमेंट ने। मतलब जो भी जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको मतलब कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, मतलब जल्दी जल्दी इसका हल निकालना चाहिए इसका। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सदन में हिट एंड रन मामले में नया कानून पास किया है। नए कानून के मुताबिक अगर कोई चालक दुर्घटना कर मौके से फरार हो जाता है, तो उसे 10 साल की सजा होगी, साथ ही जुर्माना भी भुगतना होगा। वहीं अगर दोषी चालक घायल को अगर अस्पताल पहुंचाता है, तो उसकी सजा कम हो सकती है। बता दें कि पुराने कानून में चालक को सजा का कोई प्रावधान नहीं था। हरिद्वार से राजकुमार पाल और उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।